उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी में किसानों को कुचलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने कहा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रामला ने यह भी कहा है कि सरकार को दसना चाहिए है कि इस हिंसा में कितने लोगों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रामला ने दसा कि इस मामले में दो वकीलों ने मैनु चिट्ठी लिखी सी, उन्हां दे नाम शिव कुमार त्रिपाठी और सी एस पांडा ने। असी चिट्ठी का ध्यान रखा, हालांकि रजिस्ट्री ने इसनू सुओमोटो केस वजो सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रामला ने दोवां वकीलों नू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही जोड़न लई कहा। सुनवाई के दौरान एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बेनती की कि वह सारी अठ मौतों बारे रिपोर्ट लवे, जिसते चीफ जस्टिस ने कहा कि वह सारियां नू सुनने तो बाद जरूरी आदेश देंगे। इस दे नाल ही एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही कई किसानों की मौत हुई है। असी अदालत नू बेनती करते हाँ कि इस बारे ढुकमा आदेश दिता जाए। शिव कुमार त्रिपाठी ने यह भी कहा कि लखीमपुर खेड़ी में मनुखी अधिकारों की उलंघना हुई है। इस तो बाद सीजीआई रामला ने वकील त्रिपाठी नू पुछया कि तुम की चाहते हो। त्रिपाठी ने कहा कि FIR होनी चाहिए। सीजीआई ने कहा FIR पहले ही हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वकील गरमिया नू पुछया कि अगे होर की हो रहा है। इससे गरमिया ने कहा कि यह एक मंदभागी करना है। इससे SIT का गठन किया गया है, न्यायिक जांच कमिशन का गठन भी किया गया है। सीजीआई ने पूछा कि कमिशन का चेयरमैन कौन है। एडवोकेट गरमिया ने दसा कि कमिशन के चेयरमैन हाईकोर्ट के सबका जज हैं। कल तक असी तुहानू हुण तक के सारे वेरवे देवे। इससे सीजीआई ने कहा कि कल तुहानू स्थिति रिपोर्ट देनी चाहिए है। हाईकोर्ट में दायर जनहित पटीशन की भी स्थिति दसो। इस जस्टिस सूर्याकांत ने कहा कि भी दसो किड़े लोगों की मौत हुई है। सीजीआई ने कहा कि एक वकील ने सानू सूचित किया कि मृतक लापरी की माँ बीमार है, राज्य सरकार उन्होंने इलाज भी कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजी कम TV।